जय माता दी। सभी भाई बहनों को मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। और आज है 22 तारीख। क्या हुआ, अभी रो रहा है बाहर आके। आज है 22 तारीख और दिन है बुधवार। टाइम हो रहा है 2:30 बजे का। हाँ, ये देखिए अभी तैयार हो गया है और हम भी तैयार हो गए हैं, तो आप लोगों को मैंने पहले बताया ही था। रुको पापा आ रहे, रो नहीं, काजल खराब हो जाएगा। ये देखिए काजल हमने इसको लगा दिया, रो रो के पूरा खराब कर रहा है। तो मम्मी के यहाँ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि कल है भाई की तिलक, इसीलिए हम लोग तैयार हैं। और माही के पापा जाएंगे हमें छोड़ने के लिए आधे रास्ते तक। और आधे रास्ते तक यानी कि धूमनगन पे भाई मिल जाएगा, तो वहाँ पे मैं भाई के साथ चली जाऊँगी। और बच्चों को हमने कल ही भिजवा दिया है क्योंकि एक साथ हम सारे लोग जा नहीं सकते हैं। भाई आया था कल बच्चों को लेने के लिए। और बस इसी के साथ मिलेंगे आप सभी को डायरेक्ट वहीं घर पे मम्मी के। तो देखिए दोस्तों सुबह के 8:08 हो चुके हैं और कल से जब हम यहाँ पहुँचे हैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड किए थे, तो आज सुबह का टाइम हो रहा है, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और आज है भाई का तिलक, तो घर में साफ़ सफाई चल रही है, बहुत सारी तैयारियाँ चल रही है। और अभी जा रही है घर की लिपाई करने अंजू जा रही है, तो हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाएंगे। और थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने शायद देखी होगी कल रात की, तो वो हम लोग कहीं दावत गए थे तब मैंने ये वाला मंगलसूत्र डाल लिया था। तो अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलेंगे और शाम तक ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, तो पूरा ब्लॉग देखिएगा, काफ़ी मस्ती भरा, इन्जॉय करेंगे आप लोग भी। मिलेंगे थोड़ी देर बाद आप लोगों से, मैंने सोचा आप लोगों से बता दूं, फिर आगे का काम एक हमारी सिस्टर हैं जिनके बच्चे का नाम है प्रिंस, और बच्चे को शायद खसरा हुआ है जिसे मीजल्स भी बोलते हैं, तो इसे चेचक भी बोलते हैं और हमारे गांव की भाषा में इसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है। और इसका मैं आपको, बहन आपने पूछा है इसका क्या इलाज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो अगर आपको लगता है तो आप डॉक्टर से पहले मतलब राय लीजिए, सुझाव लीजिए। और हमारे गाँव की भाषा में इसे छोटी माता के नाम से जाना जाता है, तो हम लोग इसका कोई इलाज नहीं करवाते कभी भी। 3-4 साल पहले माही को भी हुआ था, और आजकल हमारे गांव में भी बहुत सारे बच्चों को जो उसके कांटेक्ट में बच्चा आता है ना, संपर्क में आता है, तो ये बोलते हैं कि वायरस मतलब कि छूने से होता है और दूसरा कंटेंट उसमें कंटेंट में आता है, तो उसे भी हो जाता है। तो हमारे यहाँ इसका कोई इलाज नहीं कराया जाता है, सिर्फ छोटी माता के नाम से जाना जाता है। बहुत साफ़ सफाई रखनी पड़ती है, बच्चे को ऐसे ही रखा जाता है और 3 दिन के बाद अपने आप वो डाउन हो जाती हैं, तो फिर उन्हें माता रानी को विदा किया जाता है। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो विदा करते हैं, सुबह शाम जल देते हैं, और जिस दिन विदाई होती है उस दिन हल्दी और तेल पूरे बदन में लगाया जाता है। नीम की पत्ती से रोज़ अच्छे से साफ़ सफाई की जाती है और नीम की पत्ती से मक्खी वगैरह हाँकी जाती है, यही हमें जानकारी है। और शहर के जो लोग हैं वो अपनी तरह से देखते हैं, गांव के जो लोग हैं, गांव का जो लोग विचार है वो बड़े बुजुर्ग जैसे पहले करते थे वो उस तरह किया जाता है। तो आपको जो ठीक लगे आप मतलब अपने हिसाब से अपने घर परिवार में उस हिसाब से कीजिए। मैं आपको कुछ भी कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि आप डॉक्टर से भी राय ले सकते हो, अपने बड़े बुजुर्ग घर से भी राय लीजिएगा प्लीज़। और यहाँ पे देखिए गेरू मिला के मैं बातों बातों में आपको बता नहीं पाई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था मुझे बताना, इसलिए मैंने आप सबसे बात किया, उन्होंने मुझे पूछा था तो इसलिए बताना बहुत ज़रूरी था। और कल जब मम्मी के यहाँ आई थी कल से कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और घर की साफ़ सफाई चल रही है, बहुत सारे घर में काम है और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं, तो काम तो बहुत ज़्यादा है। हालांकि शादी तो चाचे की लड़की की है, तो वो तो हम दिखाएंगे आप सभी को, लेकिन देखते हैं कि ये ब्लॉग कहाँ तक चल पाता है। और ये गेरू है, इसको मैं इतना मम्मी के यहाँ तो बहुत आराम से यहाँ पर मिल जाता है हमारे यहाँ, लेकिन ससुराल में नहीं मिल पाता है, नहीं, बहुत मैंने ढूंढा, बहुत ढूंढा कि मुझे गेरू हम लोग बोलते हैं इसे, लाल मिट्टी भी कुछ लोग बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ गेरू ही बोलते हैं। पहले के ज़माने में ये बड़े बड़े जैसे गुड़ के ढोंके होते हैं, बड़े बड़े मतलब टेढ़े मेढ़े आकार का, वैसा होता था, लेकिन अभी इसका पाउडर मिल रहा है तो
कहीं भी आराम से यहाँ पे मिल जाता है। तो हम ही लिपाई कर रहे हैं, हम और अंजू लिपाई कर रहे हैं, मम्मी ये सब काम अभी नहीं करती हैं कोई भी मतलब बड़ा काम। तो वो मेहमान आने वाले हैं तो सबके घरों में मेहमान है तो साफ़ सफाई का ध्यान देना पड़ता है। कल नहीं हो पाया था तो आज हमने कहा हम भी करवा लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बड़ा सा पूरा बाहर पड़ा है लीपने के लिए और घर में भी लिपाई करना है। तो फिर अंजू अकेली नहीं कर पाती इसलिए हम दोनों बहनें मिल के यहाँ पर कर रहे हैं लिपाई पुताई। और देखिए घर का तो पूरा हो गया है, अब आ चुके हैं हम लोग बाहर द्वार पे लिपने के लिए। तो यहाँ पे भी लिपाई कर देंगे, ये देखिए अंजू भी यहाँ पे है और हम भी हैं। तो कल जो मैंने तैयार हो रही थी ना दोस्तों, उस टाइम मैंने कोई ब्लॉग नहीं शूट किया था, कर ही नहीं पाई थी क्योंकि बच्चे थे नहीं पहले से यहाँ, मम्मी के यहाँ आ गए थे और ये है भाई। तो भाई हम लोगों की वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है तो बच्चे नहीं थे तो फिर हम वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाए हैं। और किसी ने कल की वीडियो में बोला था, उनका नाम मुझे याद नहीं है, कि बच्चे कितना मिट्टी हाथों में लगाते हैं, उनका मिट्टी में बहुत खेलते, आप मना नहीं करती हो, कौन आपके घर का खाना खाएगा। तो ऐसा नहीं है सिस्टर, गांव में सब लोग ऐसे ही, बच्चों को मिट्टी में खेलने के लिए कभी मना ही नहीं किया जाता है। पूछिए क्यों, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, इनकी सेहत का राज होता है, ये फुर्तीले होते हैं और मतलब ये मजबूत होते हैं, कुछ भी आप बोल लो स्ट्रांग बनते हैं। तो कोई मना नहीं करता है, जब तक खेलना है मर्जी खेलो, बाद में घर में आके कपड़े चेंज कर दिए जाएंगे। मिट्टी में खेल कूद कर ही गांव के बच्चे बड़े होते हैं, अगर मिट्टी में ना खेले तो बोलते हैं कि बड़ा नाजुक है ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पे ये है लौंग और काली मिर्च भुना जा रहा था भट्टी में और उसका पाउडर बनाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे आ गई हैं, ये जो चूड़ी पहनाने वाली बुआ जी है ना, इन्हीं से चूड़ी लिया जाता है क्योंकि हमारे घर परिवार में जब भी शादी ब्याह होता है तो सब के घर घर जाके पहनाती हैं और दो दो तीन तीन हज़ार का एक एक घर में हो जाता है, मतलब चूड़ियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो यहाँ पे मम्मी लोग ले रही थी, भाभियाँ सब ले रही थी, हम भी ले रहे थे। और ये मम्मी तो अपने हाथ में पहन रही है लेकिन हम लोगों ने लेके रख लिया है। और इधर लिपाई पुताई करके पूरा जो काम था वो ख़त्म करके हम यहाँ पे आ गए हैं, नहा धो लिया और बच्चों को भी नहला धुला के कपड़े पहना दिए। तो यहाँ पे हम आ गए हैं कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े हो गए थे कल जब हम लोग जो पहन के आए थे, वो साड़ी भी बहुत गंदी हो गई थी, रात में दावत भी गए थे तो फिर वहाँ से आने के बाद ऐसे ही टांगी रह गई थी। और दो बाल्टी कपड़े हो गए थे, बच्चे जो पहन के आए थे वो कपड़े भी गंदे थे और जो आज उतारे हैं इन्होंने वो भी गंदे थे। ये देखिए अभी नहा धो के तैयार हो चुका है ना, है नहीं है, खत्म हो गया। तो देखिए दोस्तों दोपहर के 2:30 बज गए हैं और हम आराम कर रहे थे, थोड़ा सा लेटे हुए थे घर में, रोए भी बहुत हैं सब लोग घर के, आज बहुत रोए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम सबके जीवन में मतलब एक बहुत बहुत इमोशनल पल था जिसका बरसों से इंतज़ार था, सबने सबका सपना था, सबने बड़ी मन्नतें मानी, मतलब बहुत कुछ, सब रोए घर में, मम्मी पापा दादी भाई मतलब सब लोग रोए, बच्चा बच्चा रोया है, मानसी नैन्सी ये लोग भी देख के रोई है। ये क्यों हुआ है और किस वजह से, एक तरह से आप लोग सोच लीजिए ये खुशी के आंसू थे जो सब रोए थे, पर ये मैं अभी आप लोगों के साथ ओपन नहीं कर सकती, तो कभी तो करूँगी, कभी ना कभी बताऊँगी लेकिन अभी नहीं बताऊँगी। बहुत बहुत ज़्यादा सब लोग इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो का एंड करेंगे और ये देखिए माही आ गई है, माही आओ। ये भी बहुत रोई है, सब लोग रोए हैं, मानसी रोई है, सब लोग रोए हैं, चेहरा देख सकते हो सबका उतरा उतरा सा लग रहा है, अभी भी दिमाग से बातें निकल नहीं रही है लेकिन धीरे धीरे हम लोग भूलेंगे और खुशी वाली स्माइल जो स्माइल है ना, मतलब वो आ जाएगी चेहरे पे एक अलग सी खुशी, पर अभी नहीं, आप सबको एक ना एक दिन बताऊँगी ज़रूर लेकिन अभी नहीं बताऊँगी दोस्तों।
ब्लॉग का एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। अब आज है भाई की तिलक, तो जस्ट दूसरा ब्लॉग मैं कंटिन्यू करूँगी। बाय बाय करो।